आज परम पूज्य कुशोक बकुला रिंपोचे जी, जिन्हें हम
आधुनिक लद्दाख के निर्माता के रूप में जानते हैं, उनके जन्म शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम के शुभ अवसर पर पधारने पर आयोजन समिति की ओर से विशेषकर प्रधानमंत्री जी और आप सबको भी कोटि कोटि धन्यवाद। परम पूज्य श्री कुशोक बकुला जी के जन्म शताब्दी समारोह मनाने के कार्य गत वर्ष 19 मार्च से लेकर आज तक ले लद्दाख के सभी जनजाति पार्टी राजनीति पार्टियां, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, पीडीपी, एनसी और लद्दाख के सभी धार्मिक संगठनों, जिसमें लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, अंजुमन इमामिया, अंजुमन मोहनुल इस्लाम एवं क्रिश्चियन कम्युनिटी आदि सभी के भरपूर सहयोग से लद्दाख के विभिन्न क्षेत्रों और समस्त गांवों में सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलों और स्थानों में हर्षोल्लास से मनाया गया। जो जनता यहाँ की मांग कर रही थी, उस टनल के निर्माण के कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है, ये हमारे सबके लिए बहुत आनंद और अभिमान का विषय है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ। ये टनल का 3 बार टेंडर निकल चुका है पर अवार्ड नहीं हो चुका है। बार बार अड़चने आती थी, यहाँ का सर्वे करना बहुत कठिन था, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड स्टैंडर्ड की हम यूज कर रहे थे, काफी कठिनाइयाँ थी, पर उनके कुशल मार्गदर्शन में हमने ये कार्य पूरा किया है और आज इसके निर्माण कार्य का शुभारंभ हो रहा है। बहनों और भाइयों, जम्मू कश्मीर में पिछले 50 वर्षों में रोड सेक्टर में जितना कार्य नहीं हुआ, उतना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 के बाद हमारी सरकार ने किया। 2014 तक जम्मू कश्मीर में एनएच की लंबाई 1695 किलोमीटर थी और एनएच की संख्या 7 थी। 2018 में एनएच की लंबाई 2664 किलोमीटर हो गई है और एनएच की संख्या 14 हो गई है। 2014 से 2018 तक 969 किलोमीटर के नए एनएच घोषित किए गए हैं। 400 किलोमीटर की 4 राज्य सड़कों को नए एनएच क्षेत्र बनाने सिद्धांतिक स्वीकृति भी दी गई है। मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से ये सब काम करते समय जम्मू कश्मीर की जनता के लिए एक आश्वासन दिया था। ये प्रधानमंत्री का विकास पैकेज 2015 में उन्होंने जाहिर किया था। मैं इसलिए इसकी जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि इस पैकेज में प्रधानमंत्री जी ने जो एक एक बात जाहिर की थी, उसका जम्मू कश्मीर की जनता की मांग को लेकर हमने उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की है, जिसके तहत मेरे मंत्रालय ने 45,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर इस पैकेज को क्रियान्वित किया है। मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी को अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी।
श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गवर्नर साहब श्री एनएन वोहरा जी, श्री नितिन गडकरी जी, श्री जितेंद्र सिंह जी, कविंदर गुप्ता जी हमारे डिप्टी सीएम, नई मक्तर साहब हमारे मिनिस्टर आरएनबी, चिरन जो जी मिनिस्टर फॉर कॉपरेटिव लद्दाख अफेयर, आजी इनायत अली साहब, तुप्तन साहब एमबी, प्रोफेसर खोंचक साहब, श्री जोजी साहब सी सी एल एच डी, और खासकर यहाँ आए हुए मेरे ले के भाई बहन सबको झूले झूले झूले। सबसे पहले मैं आप सबकी तरफ से नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करना चाहती हूँ और उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज कुशक बकोला जी के इस कार्यक्रम में तशरीफ लाए दिल्ली से, उन्हें श्रद्धांजलि पेश की, उन्हें खराज अकीदत पेश किया, उसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। कुशक बकोला जी यहाँ लद्दाख के बहुत ही माने वाले लीडर रहे हैं, जिन्होंने लद्दाख की तरक्की, खासकर यहाँ की एजुकेशन, यहाँ की तालीम के लिए बहुत काम किया है, बहुत कार्य किया है। वो जो हिज होलीनेस दलाई लामा उनके फॉलोअर भी रहे हैं और तिब्बत में 13 साल की उम्र में जाके उन्होंने वहाँ से काफी तालीम भी हासिल की है। इसलिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं आज आप यहाँ आए और उनको इज्जत बख्शी। इसके साथ साथ हम आपके जो जोजिला टनल बन रहा है उसके लिए भी बहुत शुक्रगुजार है। उससे न सिर्फ लद्दाख का टूरिज्म बढ़ेगा बल्कि आपस में हमें मिलने जुलने में भी आसानी हो जाएगी। मुफ्ती साहब बार बार एक बात कहते थे, वो कहते थे जम्मू कश्मीर की समस्या का एक वजह यह भी है कि हम आपस में कटे हैं। जम्मू कश्मीर से कटा है, कश्मीर लद्दाख से कटा है, लद्दाख दोनों जम्मू और कश्मीर से कटा हुआ है। सर्दी के मौसम में भारी बर्फबारी के कारण लद्दाख का देश और दुनिया के साथ सड़क संपर्क साल के अधिकतर महीनों तक कटा रहता है, जिसके चलते लद्दाख के लिए सभी मौसम सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 14.20 किलोमीटर लंबा जुजिला सुरंग, जो कि 6,809 करोड़ रुपए के लागत से बनाई जाएगी, और 19वें कुशोक बकुला रिम्पोछे जन्म शताब्दी समापन समारोह के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपने शुभ हाथों द्वारा पट्टिका अनुमरण कर जुजिला सुरंग के काम की शुरुआत करने की गुजारिश करना चाहूंगी। श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय बहुत डेंजर है रास्ता, इसलिए अगर टनल बन जाए जोजिला का तो इससे बहुत फायदा मिल जाएगा। मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, वो एन वक्त पर नहीं मिल पाती। यहाँ पे जब जोजिला बंद होता है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे टीचर्स ही नहीं होते। खुलेगा जोजिला, जुड़ेगा देश, बन रही है एशिया की सबसे लंबी सुरंग 14.2 किलोमीटर। बेरोजगार है उनको भी थोड़ी रोजगार मिलेगी। अगर इस जोजिला का टनल खुल जाए तो ये समझो कि एक हिसाब से गॉड गिफ्ट है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जोजिला सुरंग का। खुलेगा जोजिला, जुड़ेगा देश। बन रही है एशिया की सबसे लंबी सुरंग, 14.2 किलोमीटर। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today. The only voice of Kargil Ladakh.